अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है। उस पर यकीनन अपोजिशन जो कि इसके ख़िलाफ़ है वो सरापा एहतजाज रही, उन्होंने अपना एहतजाज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, लेकिन जो ओपन बैलेट के ज़रिए सैनेट का इलेक्शन कराने की बात है हुकूमत उस पर कायम। वो मामला एक तरफ पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसका बिल भी पेश करना, और फिर बिल अगर पेश करना था तो ये मामला पहले भी किया जा सकता था, लेकिन पहले ऐवान को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया, अब ये कौमी असम्बली में पेश किया गया। सवाल ये है कि अब भी ये बिल मंजूर हो पाएगा और क्या ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये गिमिक्स हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही है और इसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं होगी। ये बड़ा और अहम सवाल है, मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ एक और अहम जो मामला है वो जो एक नोटिस जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने लिया है तरक्याती फंड्स इमरान खान साहब, जो एक अखबार की खबर है, अभी तक ये हतमी नहीं है, एक अखबार की खबर है जिस पर यह नोटिस लिया गया है कि इमरान खान साहब MNAs को 50 करोड़ रुपये का फ़ंड देने जा रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब जो कि माजी में इन तरक्याती फंड्स के बहुत ख़िलाफ़ रहे, उनका ये मानना था कि कानून साज असम्बली में जो लोग मुंतखब होते हैं उनका काम कानून साजी करना है, जबकि फ़ंड्स उनको नहीं मिलने चाहिए, लोकल बॉडीज़ तक ये फ़ंड्स जाने चाहिए और वहाँ पर अमली तौर पर काम होने चाहिए। अब चूँकि सेनेट इलेक्शन है, अपने लोगों का प्रेशर है, अब तक कुछ नहीं दिया, तो इमरान खान साहब वो तमाम तर काम करते आए हैं जिनके माजी में वो मुखालिफ रहे हैं, और अगर ये खबर सच्ची है और वो वाकई ये करते हैं, अभी तो जवाब सिर्फ तलब किया गया अटॉर्नी जनरल से और कहा गया कि वो तफसीलात बताएँ, अब जब वो बताएँगे और क्या वाकई इमरान खान साहब यह देने जा रहे हैं तरक्याती फ़ंड्स, तो इन पर एक बड़ा सवाल है। और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का भी सवाल यही है कि ये क्या आईन और कानून के मुताबिक हैं या उनके ख़िलाफ़ है ये तरक्याती फ़ंड्स देना, और माजी के अदालती फैसले इस बारे में क्या कहते हैं। तो ये तरक्याती फ़ंड्स का एक मामला, और तीसरा और अहम मामला जो इस वक्त चल रहा है वो फॉरेन फंडिंग का चल रहा है, जहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ख़ुद खुलकर बोले फॉरेन फंडिंग के हवाले से, गुज़श्ता दिनों में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की लीबिया से आने वाली फ़ंडिंग की बात की, नवाज शरीफ साहब की फ़ंडिंग की बात की, और साथ साथ अपनी हवाले से उनका यह मानना है कि वो बिल्कुल क्लियर हैं और बड़ा वाज़े तौर पर बता सकते हैं कि उनको किस किस ने फंड्स दिए, उनकी पार्टी के पास कैसे आए, लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्हीं की जमात पर था, केस उसी हवाले से चल रहा था, वो कंक्लूजन को नहीं पहुंचा। अब सब जमातों से ये सवाल किया जा रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ PTI के जो रहनुमा हैं वो बयानात जो दाग रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं वो मुख्तलिफ जमातों के हवाले से दे रहे हैं, और जब ख़ुद के मुतालिक सवाल होता है तो उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं है। ये तीन इश्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा जिन पर अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की हम राय लें। तारुफ कराता चलूँ, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुबशर बुखारी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। मुबशर बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, सबसे पहले ये क्या मामला है, 26वीं आइनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं, व्हेन देयर इज़ वेरी लेस टाइम लेफ्ट, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, चाहते ये 2-2.5 सालों से थे, ये काम पहले नहीं करवाया गया, ये सिर्फ एक आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा मामला है, या वाकई इज़ देर एनी चांस कि ये बिल जो पेश हुआ है ये कोई कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, ये मंजूर होगा और उसके बाद ओपन बैलेट पर वाकई सेनेट का इलेक्शन होगा? शुक्रिया अरसलान भाई, बड़ा ही एक हम एक क्रूशियल जंक्चर पे खड़े हैं तारीख के, और मसला ये है कि पीछे मोटिव क्या है ये जो आईनी तरमीम पेश की गई है। देखिए, जब से इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद से ही गॉसिप शुरू हो गई थी 18वीं तरमीम को शूट डाउन करने के हवाले से, जिसपे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें और जमहूरियत पसंद लोगों को बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी, और साथ में ही जो ही सेनेट इलेक्शन करीब आया तो PTI को ट्रांसपेरेंसी याद आ गई कि इलेक्शन जो है उसमें फेयरनेस बरकरार रहनी चाहिए, और इन दोनों को जो है मिला के अगर पढ़ा जाए जो हम अपनी पार्लियामानी जुबान में कहते हैं, तो मकसद वही है कि 18वीं तरमीम को जो है उसमें अमेंडमेंट उसको रिपील किया जाए, दूसरा सेनेट में इलेक्शन के तरीकाकार को तब्दील किया जाए। तो भाई बात यह है कि एक बात तो दोबारा ये साबित हुई कि पार्लियामेंट जो है वाकई में एक रबर स्टैम्प बन चुकी है, क्योंकि पहले आपने अपने इंट्रो में फरमाया अरसलान साहब कि अदालत में मामला लेके जाना ही नहीं चाहिए था, ये कोशिश पहले पार्लियामेंट से स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम अदारा है और पार्लियामेंट ही ये किसी भी तरह की अमेंडमेंट करेगा।
अभी मामला जो ये है, गले में सिर्फ इतनी सी बात अटकी हुई है, जिन लोगों को टिकट्स देना चाहते हैं खान साहब इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में, अंदर से ही रेजिस्टेंस आ रही है अपनी पार्टी की तरफ से, और उन्हें यकीन है। और ये बात भी एक हकीकत है, बिल्कुल ठीक बात है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि सेनेट के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। और जैसा कि हमने देखा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आसिफ रंजन साहब जब लड़ रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के रकीन 16 के लगभग वो हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हुए, जिसपे मीर हासिल बजिंजो जब दुनिया से गए तो अगले दिन ही परवेज रशीद साहब ने माजरत की उनके रूह के साथ और ये भी एडमिट किया। ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन चूंकि इस वक्त पीटीआई में ये बहस चल रही है अंदर, और बाकायदा हम जिन दोस्तों से बात करते हैं वो ढके छुपे अल्फाज में ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें रिजर्वेशंस हैं उन नामों पे जो सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। इसके पीछे अगर इंटेंट वाकई में क्लियर होता तो यकीनन इसकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते, लेकिन अभी चूंकि इंटेंट इसके पीछे एक अजीबोगरीब सा है, तो मुझे ये लगता है कि अभी जो हुकूमती जमात है या उनके जो मैं ज्यादा डिटेल में जाए बगैर जानना चाहूंगा मुबशिर साहब, ऑपोजिशन उसकी वजूहात हैं वो हम सब जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन क्या वजह है कि वो नहीं चाहती कि ये मामला ओपन हो जाए, और वो इसके खिलाफ क्यों हैं, वो उनकी जो दलीलें हैं वो समझ में आती हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? क्विकली इस पर अपनी राय दे दें मुबशिर भाई। जी देखिए, अपोजिशन की अपनी दलीलें जो हैं, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो कुछ दलीलें ठीक हैं और कुछ दलीलें ठीक नहीं हैं। अब अपोजिशन के अपने अराकीन ही जब माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हो कि अपने ही एक जॉइंट कैंडिडेट की डिफीट का वो बायस बने हों, तो तब तो अपोजिशन की ये दलील समझ में नहीं आती। लेकिन जब इसी चीज को आप लें और ये देखें कि पंजाब में पीटीआई के अराकीन के बिकने की बात भी हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने पार्टी को एक रेवड़ की तरह ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि ये बंदा, इसका पार्टी से माजी में लेना देना कोई नहीं था, ये मैंने नॉमिनेट कर दिया है, अब यू आर बाउंड टू वोट फॉर हिम, तो ये भी गैर जमहूरी किस्म की बात नजर आती है मेरी जाती राय में, आई मे बी रॉन्ग। तो बात ये है कि किसी हद साहब की जाने पढ़ूंगा मुबशिर भाई, पॉइंट आपका आ गया, राइटली टेक पॉइंट आ गया, मैं चीमा साहब की जाने पढ़ूंगा। चीमा साहब, एक तो इस पर अपनी राय दे दें, ये जो अब 26वीं आईनी तरमीम, अब आप आईनी तरमीम की तरफ आ रहे हैं, ये रास्ता बहुत पहले इख्तियार कर लेना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था, दोनों ऐवानों में इस पर तफसील से बहस हो जाती, आपस में बहस कर लेते, फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचते, अवाम समझ लेते, या बिल्कुल हैपहैज़र्ड ये काम हो रहा है। अब फरवरी शुरू हो गया, अगले महीने इलेक्शन है, और अब इसी जो सेशन है इसके दौरान आपने ये सारी बात करनी है, एक तो ये बात, फिर शो ऑफ हैंड ओपन बैलेट क्यों नहीं होना चाहिए, तीसरी बात यह है कि जो ये तरीकाकार किया जाता है, जिस तरह हमने देखा नून लीग के बहुत सारे सेनेटर्स, ताल्लुक सिंध से है, पंजाब मुंतकिल करवाया और वहाँ से इलेक्ट करवा दिया पंजाब के वोटों पे, यह भी तो बड़ी ज्यादती है कि उस इलाके की नुमाइंदगी ना आए, आप पार्टी की वफादारी की बुनियाद पर किसी को सिंध से, किसी को कहाँ से उठा के ला के इलेक्ट उसको पंजाब से आप करवा दें, यह भी बड़ी ज्यादती है जो होती रही। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सर पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो बिहेवियर रहा है पार्लियामेंट के अंदर अब सियासी जमातों के साथ कानून साजी के हवाले से, वो इतना अच्छा रवैया नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको पता है उनको बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी करने पड़े। अब जैसे आपने कहा कि लास्ट मोमेंट अगले महीने इलेक्शन है, तो वो समझ रहे थे कि एक तो उनका अपना बिहेवियर भी ठीक नहीं रहा, दूसरा उनको याद नहीं होगा या उन्होंने केयर ध्यान नहीं दिया और मसरूफ रहे कि अगर हम इनके साथ अभी डायलॉग करेंगे पार्लियामेंट में तो ये हमसे भी कंसेशंस मांगेंगे, जो कि पीटीआई का एक नॉर्मल बयानिया है कि जब भी हम इनके साथ डायलॉग करते हैं या टेबल पे बैठते हैं तो ये हमसे अपनी वो जो करप्शन रेट केसेस पे कंसेशंस मांगते हैं सो एंड सो। सो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, मैं समझता हूं कि जब से पीडीएम एक्टिव हुई है पीटीआई थोड़ी सी अग्रेसिव पोस्टरिंग कर रही है उसी नैरेटिव में, और फिर ये ब्रॉडशीट का केस आने के बाद इसी नैरेटिव में उन्होंने ये जो लेबलिंग करनी शुरू कर दी कि क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लोगों को खरीदती है, हॉर्स ट्रेडिंग करती है, पैसा लगाती है, तो अवाम को बताया जाए जी कि देखें ये काम करते हैं, हम नहीं करते, सो देखें इनको रोका जाए।
ये पैसे लगाएंगे, इनको पता है पैसे लगने हैं, सो ये भी एक तरीका टैक्टिक है ऑपोजिशन को अंडरमाइन करने का और उनको क्योंकि हम तो अब कानून साजी में आ रहे हैं, यही कानून साजी नहीं करना चाहते। सो मेरा ख्याल है मल्टीपल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट चले जाना भी जाहिर बात है कोई अच्छा डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है, और अदालतें कई दफा कह चुकी हैं कि सियासतदानों को या सियासी जमानों को अपने मसले पार्लियामेंट में हल करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, वो जरूरत पड़े तो जरूर आए। जो आपने बात की, मैं समझता हूं कि जो मोनोपोली की बात की जो सियासी जमातें, अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट से लड़ाया जा रहा है पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं कि ये सियासी जमातों की जो मोनोपोली है अपने पार्टियों के अंदर और मोनोपोली है अपने सिस्टम के अंदर, ये वो चीज है जो फोर्स करती है कि ये कौन इनकी क्या मजाल है एमपी की और एमएनएस की कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ हक में वोट ना दें। सो मेरा ख्याल है ये एक, मैं इसको एक अच्छा डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं समझता और ये सारी जमात सियासी जमातें इसमें इसी तरह है। सो मेरा ख्याल है सियासतदानों ने यह किया हुआ है कि नेशनल असेंबली को थोड़ा सा जो खासकर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो थोड़ी वेटेज दे लें, लेकिन सेनेट को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है पैसे के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, जिससे एक अच्छा जो है वो जिसका पीटी फायदा उठाना चाह रही है। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया, ब्रेक ही जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर जो तरक्याती फंड्स का मामला है मैं चाहूंगा उस पर मेहमानों की राय लूं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक मुबशर भाई, ये जो इस वक्त जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का नोटिस है अखबार की खबर पे तरक्याती फंड्स देने की बात है, ये तो बड़े मुखालिफ हुआ करते थे खान साहब भी और हम सब भी ये बात करते आए हैं कि ये कानून साज असम्बली है, जो मुंतखब अराकीन है इनका काम कानून साजी है, फंड्स देना तरक्याती काम करना ये तो इनका काम ही नहीं है। आज मजबूरी हो गई, ज़रूरत पड़ी, क्या प्रेशर है कि ये काम करना पड़ रहा है ख़ुद इमरान खान साहब को, क्योंकि खबरें यही बता रही हैं। दिलचस्प सूरत हाल है, ये आपका सवाल भी पहले ही सेगमेंट से रिलेटेड है, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो हम बड़े खुश हुए थे 2013 में इमरान खान साहब का इलेक्शन लड़ रहे थे केपी में और बाकी मुल्कों में भी, और गालिबन 2013 के मैनिफेस्टो में भी पीटी के बात थी कि काम सिर्फ इलेक्शन है ना कि ये तरक्की काम करवाना, और इमरान खान साहब 2013 में मैं किसी भी एमपीए को या मैं वन नहीं दूंगा, तो उसी वक्त उन्होंने अपने उस मैनिफेस्टो प्रॉमिस को, क्या उस जमाने में मैंने एक यहाँ पे कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे प्रॉमिस तैयार था, और मैं बड़ा कि ये लव कॉमन हो गया है पार्लियामेंट में भी यूज करते हैं, तो इमरान खान साहब ने अपना वो प्रॉमिस 2013 में ही तोड़ दिया था, और उस वक्त जो स्पीकर केपी असेंबली के थे असद कैसर साहब, सबसे ज्यादा फंड तो उनके हलके में उन्हें फ्राहम किए गए, तो ये अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अचंभे की बात फिर ये कि उस प्रॉमिस को ब्रेक करने के बाद खान साहब ने दोबारा वही शेक जो है अपने मैनिफेस्टो में 2018 में दाखिल करवाई। बदकिस्मत यह है कि हमारी पहली पार्टीज जो हैं, जो पहले हुक्मरान रही हैं बशमूल पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने रवायत रखी ना बाकायदा कि अपने जो फेवरेट एमएनएस एमपीएस हुआ करते थे उन्हें डेवलपमेंट फंड देना, तो हम इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए 2013 में कि अब शायद ये रवायत खत्म हो, इनका असल काम जो है वो कानून साजी है, और हमारी जो असम्बलीज हैं हाँ वो सूबाई हो या नेशनल हो अब सिर्फ कानून साजी करेंगी और ये जो फंडिंग वंडिंग के पीछे हैं ये नहीं भागेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब भी उसी सिस्टम की रॉ में बैठ गए। अब यहाँ पे मामला ये है कि दावे वादे ये बहुत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसी रॉ में इसी गंगा में उन्हें तैरना है, इसी पूल में इन्हें स्विम करना है, तो जो पहले पार्टीज करती थी वो ही अब करती हैं। लेकिन इस मौके पे अनाउंसमेंट करना
और ये मैं अर्ज कर दूं, ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा किया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस पे जवाब तलब किया है। ये एमपीएस के लिए भी है और पंजाब के एमपीएस की बात भी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि वही जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि कुछ मनपसंद अफराद को, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर हो गए या शहबाज गिल हो गए, ऐसे अफराद को पंजाब से लड़ाने की बात की जा रही है, शायद उनके नाम भी फाइनलाइज हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपने एमपीएस को इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, और इस वक्त तो इसे सियासी रिश्वत या खुश करने का तरीका ही समझा जा सकता है। राइटली सेट, ब्रेक ही जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर जो तरक्याती फंड्स का मामला है, मैं चाहूंगा उस पर मेहमानों की राय लूं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक कमर चीमा साहब। सर, योर टेक ऑन द मैटर, आप कैसे देख रहे हैं इसे? और ये अभी जिक्र आया, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं शहजाद गिल साहब का शहबाज गिल साहब का, शहजाद अकबर साहब का, तो ये पार्टी के लोगों को भी तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वो खुद से सोचें, एमपीए सोचें कि भाई कहाँ से नुमाइंदगी, कैसी नुमाइंदगी, पैरा ट्रूपर्स हैं, बाहर से आए हैं, कल को फिर चले जाएंगे, क्यों इनको मुंतखब किया जाए, किस हैसियत में मुंतखब किया जाए, सिर्फ इसलिए कि पार्टी नाम दे दे? ये मेरे ख्याल साहब, ये मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, अब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को ये सोचना चाहिए जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे बड़ी मेहनत करते हैं, कि ये बड़ी अहमियत है उनके इस वोट की जो वो सेनेट के लिए दे रहे हैं, तो वो इस तरह किसी के भी सामने आने पे वोट ना दे दें कि जी पार्टी ने कह दिया, थोड़ा सा ज़रा सोच विचार किया करें। देखिए, सियासी जमातें कहती हैं भाई आपकी क्या औकात है, हिम्मत है कि आप तो नवाज शरीफ और जो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के वोट पे एमपीए बने हैं, आप कौन हैं? तो अगर आप हमारे वोट पे एमपी एमएनए बने हैं तो फिर वोट भी हमारा है। तो जाहिर बात है ये माइंडसेट तो ये है। बट एनी हो, जो आप बात कर रहे हैं, जो मुबशर भाई ने बात की, बिल्कुल उसमें वजन है कि आगे इलेक्शन में, और वो बेसिकली ये भी एक रिगिंग है, वो अपने लोगों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो उनको पता है इलेक्शन भी लड़ना है, तो एक चलो बात तो चलाओ। और एक और फैक्टर भी, और वो ये है कि पिछले 2.5 साल पीपल पीटीआई ने कुछ दिया तो है नहीं अपने लोगों को, और ऑफ द रिकॉर्ड सारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रोविंशियल असेंबली, जितने भी बेचारे रोते हैं और कहते हैं कि ये तो हमने हल्कों में वापस जाना है, हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं, फंडिंग ही कोई नहीं है। अब खान साहब का प्रॉब्लम यह था कि एक तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, दूसरा उनका वो जो एक कहीं कहीं भी वो नजरियाती हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं ये इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह पाकिस्तान में है, ये रिश्वत है, मैं ये नहीं पसंद करूंगा, तो मगरब जब देखें वहां पे क्या होता है। तो एक तो वो फैक्टर उनका वो टूट रहा है, हर जो अपने बनाए हुए बुत और जो अवाम को दिखाए हुए बुत उनके रोज टूटते हैं, तो इस सेंस में आके उनको अब पता चला और प्रेशर भी आया कि इवन के सियासतदान उनको और मेंबर पार्लियामेंट टीवी पे उस तरह डिफेंड भी नहीं करते, और वो जो डिफेंड करने का जो बिजनेस रह गया वो चंद एक लोगों का रह गया। सो वो अगर ऑफ द रिकॉर्ड पार्टीज में जब बैठते हैं, एमपीएस वगैरह बैठते हैं, तो कोई अच्छा बात भी याद करते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि खान साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब इधर भी अपने उसके खिलाफ चीमा साहब जाएंगे? क्योंकि ये अभी मैं दोबारा बताता चलूं कि ये खबर पे नोटिस है और वजाहत हो रही है इसकी, कोई फंड्स अभी तक दिए नहीं हैं, इसकी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है कि कोई फंड्स दिए गए हों, देने की बातें चल रही हैं, एंगेज चल किया जा रहा है। आपको लगता है कि खान साहब ये कर देंगे और फिर इसको भी जस्टिफाई वो कर रहे होंगे कि जी मजबूरी थी, देना पड़ा, या नहीं? यहाँ पर खान साहब जितने मुखालिफ रहे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो की हैं जिसके वो मुखालिफ रहे हैं हुकूमत में आके, ये भी कर जाएंगे क्या वो, आपको लगता है? जी करेंगे, और ये करना पड़ेगा उनको। उन्होंने एक तो ये सेनेट का इलेक्शन है, दूसरा आगे भी तो इलेक्शन लड़ने हैं, पीटीआई वालों ने वापस भी तो जाना, और पंजाब में जहां पे तो वो बड़े थिन मेजोरिटी से जीते हुए हैं, तो उनको उन्होंने कुछ तो लोगों को देना है। इमरान खान साहब भले बड़ा अपना एंटी करप्शन का नैरेटिव बड़ा तगड़ा चला रहे हैं, लेकिन अवाम में भी बड़ा गुमा गुस्सा है। और जो जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब ने नोटिस लिया है, वो जारी बात है उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है उनके अपने केस के हवाले से भी, और ये भी उनको जारी बात है वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसा पैसा है जो आप लुटा रहे हैं, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, पैसा तो वहां लगना चाहिए जहां पर जरूरत हो, जहां पर वाकई एक फ्रेमवर्क तय हो। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब
अब जो भी प्रेशर आया उनको ये पैसा देना ही पड़ेगा, और हाँ थोड़ा स्लो देंगे और उस तरह, और अगले दो साल ये अपना जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले स्टाइल वाला वो जो फंड्स देने वाला बिजनेस है वो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और उसका नुकसान ये हो सकता है कि हम पे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया, मैं यहाँ पर जस्टिस काजी फैजीसा साहब के इंटेंट पर क्वेश्चन नहीं करूँगा, और यकीनन इसको मैं लिंक भी नहीं करूँगा उस चीज़ से जो कि माजी है, बट ये दिस इज़ अप्रिशिएटेबल, ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है माजी में और ये अब भी होने जा रहा है, तो वंस एंड फॉर ऑल ये अगर मुल्क की आला अदलिया से वेट हो जाता है मामला कि जी ठीक है कोई भी दे सकता है ये फंड या नहीं देने, तो फिर भी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। राइटली सेट, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।